सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स। यहाँ पे हम देख रहे पाइथन फॉर फाइनेंस ट्यूटोरियल वेयर एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। तो आज हम देखने वाले हैं डिक्शनरी के कंसेप्ट को। सिंस बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, हम दिन भर एक्सेल टेबल्स में काफी काम करते हैं, एंड द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डील विद एक्सेल टेबल्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम देखेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन क्या होता है एंड क्या कैसे करेंगे इसको। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स फॉर्मेट ये सब पढ़ चुका है। एपिसोड 5, 6, 7 में हमने बेसिक वेरिएबल्स पढ़ा था, डेटा टाइप्स को, लिस्ट, सेट, टपल्स हमने 8, 9, 10 एपिसोड में कवर किया। तो आज हम डिक्शनरी कवर करने वाले जो कि एक टाइप ऑफ एडवांस डेटा टाइप है, ठीक है। अब जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो इसमें आप अगर देखोगे इसका सिंटैक्स को, दिस इज की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले जो चीजें हमें याद रखनी है, दैट इज रैप्ड अराउंड कर्ली ब्रैकेट्स, आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, सेपरेटेड विद कॉमा। एक आइटम जो हर एक आइटम कॉमा से सेपरेट होगा, एंड आपका ये जो लिखते हैं हम की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, की वैल्यू फॉर्मेट में, की कोलोन वैल्यू। सो दिस द की जो होता है वो पहला वाला आइटम की होता है, एंड दूसरा वाला उसका वैल्यू होता है। तो की स्ट्रिंग इंटीजर या फ्लोट हो सकता है, एंड जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, इवन अ लिस्ट भी हो सकता है, इसका हम देखेंगे। अब देखो ये मैंने एक पाइथन डिक्शनरी एक सिंपल सा डाला है। तो यहाँ पे वन एप्पल ये फर्स्ट आइटम है, टू वन प्लस दूसरा आइटम है, दोनों के बीच में कॉमा है, कर्ली ब्रैकेट्स है, एंड वन और की और वैल्यू के बीच में कोलन दिया हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है इसका फॉर्मेट के लिए। फाइनेंस में क्या हेल्प होता है, इसमें मैंने बताया कि एक्सेल टेबल्स में इतना काम करते हैं तो इसलिए डिक्शनरी के अंदर वो इम्पोर्टेंट होता है। अब ये आप देख रहे हो ये एक टेबल है, ये टेबल हम दिन रात काम करते रहते हैं। ये तो सबसे ऊपर जो हेडिंग है इसका, टेबल का हेडिंग, मैं बोलता हूँ इसको की, जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू होता है, तो ये मेरा की हो गया, ठीक है। अब सब एक जीएसटी नंबर मैंने पकड़ा, जीएसटी नंबर में तो ये नंबर्स दिए हुए हैं हमारे वेंडर्स के हो सकते हैं, कस्टमर के हो सकते हैं, तो ये मेरा वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर अगर मेरे को बोलना हो तो ये मेरा वैल्यू हो गया लिस्ट ऑफ जीएसटी नंबर, और जीएसटी नंबर टॉपिक जो उसका कॉलम हेडिंग है दैट इज अ की। तो अगर मैं एक कॉलम को पकड़ू, पूरे कॉलम को, देन आई कैन से दिस इज वन आइटम ऑफ अ डिक्शनरी वेयर सप्लायर स्टेट इज द की, एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू है, दिल्ली, महाराष्ट्र, जो भी है वो आप वैल्यूज है। तो ऐसे आप डिक्शनरी को इमेजिन कर सकते हो, हमारे एक्सेल टेबल को भी। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे जुपिटर नोटबुक में हम डिक्शनरी को मतलब टेबल को डिक्शनरी के फॉर्मेट में लिखेंगे। जुपिटर नोटबुक का कंसेप्ट सब डिस्कस हुआ हुआ है पहले वाली वीडियोज में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, है ना, डिक्शनरी के नाम का एक नया फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम दे देते हैं कुछ डिक्शनरी एग्जाम्पल, है ना। तो आप लोग भी साथ साथ बनाते रहा करो ताकि आप लोगों को भी मतलब आइडिया लगता रहे। अब सपोज मेरे को यहाँ पे डिक्शनरी का बनाना है, तो मैंने कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो उसमें, ठीक है, DICT_ एग्जाम्पल दिया। अब ये एक एक्सेल फाइल मेरे पास है, ठीक है, मैं पूरा टेबल अभी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ मैं तीन कॉलम और चार रो ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिक्शनरी में लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे लिखेंगे। सप्लायर स्टेट है, मैंने बोला ये की है, तो की स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखेंगे, फिर कॉलम सेपरेट करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या है, दिल्ली, सो दिल्ली भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है बता रखा है ना, तो दिल्ली भी है तो इसको भी ऐसे लिख दिया, फिर कॉमा से सेपरेट किया, फिर जीएसटी नंबर दूसरे आइटम में गए, दूसरे आइटम का की लिखा, जीएसटी नंबर एंड उसका वैल्यू लिखा, ये बड़ा छोटा सब कुछ एग्जैक्टली वही होना, सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका की लिखा, कॉलोन देके वैल्यू लिख रहे हैं, वो भी स्ट्रिंग है तो हम अगेन डबल कोट्स में लिख रहे हैं, ओके। एंड थर्ड आइटम इज प्रोडक्ट कोड, ठीक है, प्रोडक्ट कोड लिखा, ये भी एक की है, फिर कॉलोन देके, अब ये जो है नीचे 1004 इट्स अ इंटीजर, इंटीजर को हम डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, राइट, तो हम सीधा 1004 लिख सकते हैं, ओके। तो ये मेरा बन गया एक डिक्शनरी, ओके। अब मैं इसको अगर कॉल करता हूँ, डिक्शनरी एग्जांपल को शिफ्ट इंटर करके कॉल करता हूँ, तो ये मेरा दिखा रहा है सप्लाई स्टेट, जीएसटी में प्रोडक्ट कोड। अब इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, जैसे मैंने लिस्ट के साथ हमने बहुत कुछ की थी, लिस्ट पे अपेंड करना, कुछ करना, वो टैब प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो डॉट आइटम्स करके आप कॉल करोगे, अगर डबल ब्रैकेट्स लगा के कॉल करोगे तो बता दे क्या क्या आइटम्स है डिक्शनरी के अंदर, क्या क्या आइटम्स है बता देगा। एंड वैसे अगर आप है ना इसका की कॉल करोगे, आपको जैसे आपको जो आइटम्स दिख रहा है ये टपल के फॉर्म में दिख रहा होगा स्मॉल ब्रैकेट्स में, राइट, वैसे आपने की कॉल किया तो सिर्फ की बता देगा, की का मतलब क्या होता है, कॉलम हेडिंग्स बता देगा, तो सप्लाई स्टेट जीएसटी में प्रोडक्ट कोड कॉलम हेडिंग्स बता देगा। वैसे आपने वैल्यू कॉल किया तो सिर्फ वैल्यू बता देगा, सारे वैल्यूज, हर कॉलम का वैल्यू बता देगा, ओके। तो ऐसे करके मतलब आप इसको अपना कॉल वगैरह कर सकते हो।
अब अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, मैं चाहता हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड दिखाए, एक पर्टिकुलर कॉलम, तो अभी हम सिर्फ ये करेंगे। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कोड पर 2004 मैंने असाइन कर दिया। अब आप देखोगे कि मैंने वैल्यू चेंज किया, तो इट इज हाउ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। कोई भी डिक्शनरी आइटम का वैल्यू चेंज कर सकते हो, सिंपल असाइनमेंट हो गया ना, प्रोडक्ट कोड को 2004 डाल दिया। ओके, सो ये तो आपका हो गया, मैंने एक रो डाला। आप बोलोगे यार जो टेबल में तो मल्टीपल रोज है ना, मल्टीपल रोज कैसे डालेंगे, तो मैंने इंटर करके ये नीचे कर दिया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। अब दिल्ली 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 चार बार डालना है, चार स्ट्रिंग डालना है। तो बेसिकली आपको लिस्ट का कंसेप्ट अगर याद है तो ये वही चीज होता है, लिस्ट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी ऑब्जेक्ट होते। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना दिया, जीएसटी नंबर को भी लिस्ट बन, लिस्ट बनाते ही क्या होता है कि आपका अब बड़े ब्रैकेट्स लाइक बिग ब्रैकेट्स आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तीन चार जो भी जीएसटी नंबर थे मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में कॉमा देते हुए सेपरेट कर दिया, एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट ऑफ जीएसटी नंबर, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट कोड है तो प्रोडक्ट कोड में तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है नहीं, है नंबर है, तो इसमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। मैंने यही चार नंबर लिख दिया। अब इसमें देखो एक छोटा सा गलती है, अब आपको एरर दिखेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि लिस्ट को आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रैप रैप करना है, राइट। अभी रैप किया नहीं था इसलिए वो एरर दिखा। ओके, तो अब ये सही से रन हो गया। अब आप डिक्शनरी को कॉल करो, शिफ्ट इंटर करो, तो आपको ये दिख गया, सप्लाई स्टेट भी चार दिख गए, जीएसटी नंबर चार, प्रोडक्ट कोड चार। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सेल टेबल इन पाइथन, ठीक है ना। कैसे डिक्शनरी के फॉर्म में हम एक एक्सेल टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यही होता है, मतलब डिक्शनरी में आपका जो मेजर, मतलब इसको हम फर्दर टेबल के रूप में और अच्छे से कैसे देख सकते हैं हमें पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया जीएसटी नंबर, एक पर्टिकुलर कॉलम को कॉल किया, राइट। तो उसका बड़े ब्रैकेट्स में सिर्फ इंटीजर देख के कॉल हो जाता है, उसका वैल्यू सारा बता देगा कि जीएसटी नंबर में क्या क्या चीज है। अब आप वैसे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो उसके अंदर से, आपको फॉर लूप करना मेरे को, सपोज मेरे को अगर जैसे कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे, सपोज कि मेरे पास एक जीएसटी नंबर का लिस्ट है एक्सेल में, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं उन सबको एक मेल चला जाए, कुछ चला जाए, तो उस हिसाब से कभी कभी लूप करना पड़ता है हमें, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स इन डिक्शनरी प्रिंट समथिंग, तो अभी तो मैं सिंपल सा एक प्रिंट कर रहे हैं फॉर की जितने जितने भी जीएसटी नंबर है उन सब के लिए आ जाए, जीएसटी नंबर इज प्लस करके वो एक्स। ये लूपिंग वाले वीडियो में हमने अच्छे से देखा है इसको। तो ऐसे आप कैसे डिक्शनरी में, अगर आपने टेबल को पहले डिक्शनरी में स्टोर किया एंड देन उसके थ्रू हम देख रहे क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने लूपिंग किया हमने, वैसे ही आपको जैसे कीज जितने भी है, जितने भी कीज हो, जितने भी कॉलम्स हैं, उसका भी आप है ना लूप लूप कर सकते हो कि फॉर एक्स इन डिक्शनरी कीज प्रिंट हेलो, सब उन्होंने बोलता हूँ कि उतनी बार हेलो प्रिंट करो। तो कितने कीज है हमारे पास, हमारे पास तीन कीज है, तो तीन बार हेलो हो जाएगा। जैसे कीज के लिए किया वैसे हम वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं कि जितने भी मेरे वैल्यू है उसके लिए हेलो, तो चार, ओके तीन थे तो तीन हमारे प्रिंट हो गए। ओके, बिकॉज वैल्यू तो तीन ही है ना, उसके अंदर चार रोज है, बट द वैल्यू इज थ्री ओनली, दैट इज वाई, ठीक है। अभी लिखा फॉर एक्स वाई इन डिक्शनरी आइटम, तो आइटम्स में क्या होता है, दोनों आते हैं की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग। जैसे हम टपल अनपैकिंग हमने देखा था जिपिंग अनजिपिंग में, वैसे ये हम देखोगे तो हमने क्या किया, एक्स में की को स्टोर कर दिया, वाई में वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जैसे पहले प्रिंट एक्स में वो प्रिंट हुआ, फिर वाई में उसी का वैल्यू प्रिंट हुआ, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो मतलब ये सब चीज जैसे अब डिक्शनरी का हमने देख लिया, अब इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी ना टेबल अच्छे से दिख लग नहीं रहा है कि टेबल है ना, तो वो चीज हम देखेंगे पैंडास के साथ। एंड दूसरा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन प्रैक्टिस विद डिक्शनरी की क्या क्या चीज कर सकते हैं। और सो आई होप कि ना आप लोग को काफी यूजफुल होगा ये, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कम अक्रॉस एंड आप पूछ सकते हो कुछ भी आपको डाउट है तो। सो ऐसे हमने देखा कैसे वो डिक्शनरी का कंसेप्ट वर्क करता है, हाउ दैट की वैल्यू पेयर में जो डिक्शनरी लिखा रहता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। एंड अभी हमने सिर्फ एक बेसिक देखा है, अब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे इसको एक्चुअल में टेबल्स के फॉर्म में ला के पैंडास की मदद से हम कैसे डेटा एनालिसिस जो होता है किसी भी एक्सेल फाइल का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।